योगी सरकार में रामगंगा नदी पर हो रहे अवैध रूप से कब्जे। आपको बता दें कि एनजीटी और कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर कुछ भूमाफिया लोग पुलिस की मिलीभगत से धड़ल्ले से मुरादाबाद स्थित रामगंगा नदी किनारे सरकारी जमीन को अवैध तरीके से मकान बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ समय पूर्व सिंचाई विभाग के अफसर ने इसकी सूचना मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को भी दी थी, जिसकी सूचना पर आलाधिकारी रामगंगा नदी किनारे पहुंचे और जेसीबी की मदद से अवैध तरीके से कब्जा की गई जगह को ध्वस्त करवाया था। लेकिन फिर एक बार कुछ भूमाफिया लोग योगी सरकार होने के बावजूद भी रामगंगा नदी पर कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जब न्यूज की टीम के संवाददाता मनोज कश्यप रामगंगा नदी पर कवरेज करने के लिए पहुंचे तो अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोग वहां से भाग निकले। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ भूमाफिया लोग रामगंगा नदी पर अवैध कब्जा करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस मामले में आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं या यूं ही रामगंगा नदी पर ऐसे ही भूमाफिया लोग कब्जा करते रहेंगे। क्या नाम आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहा, मंडल प्रमुख, शिवसेना मंडल मुरादाबाद। क्या कहना चाहेंगे, रामगंगा नदी पे कब्जा हो रहा है लगातार, पहले भी कब्जा कर रहा था, लोगों के मकान गिरा दिए गए थे, उल्टे ज्यादा, अब फिर दोबारा कब्जा कर रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामगंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। रामगंगा में पहले भी कई बार बुलडोजर चल चुका है और रामगंगा में जो भूमाफिया हैं जो रामगंगा की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये एनजीटी और कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। पहले भी बुलडोजर चल चुका है, एक इकबाल नाम का कोई भूमाफिया है और अन्य कई भूमाफिया हैं जो रामगंगा की कई सौ गज जगह पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये गलत है, रामगंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और रामगंगा पर कब्जा नहीं होना चाहिए। रामगंगा संकरी होती जा रही है, रामगंगा का पानी दूषित होता जा रहा है। तो ये नगर निगम और जो संबंधित MDA विभाग है और भी जो संबंधित विभाग हैं, ये सब सोए हुए हैं, इनकी आंख के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। NGT और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, जिस तरह मकान बन गए हैं रामगंगा नदी पर, उस पर मीटर भी लगा दिए घर पर गए, तो क्या लगता है इसमें मीटर लगाना है? ये जो भूमाफिया होते हैं ना, ये सब संबंधित विभाग से साठगांठ करके होता है। आधार कार्ड भी बन जाते हैं, मीटर भी लग जाता है और पहचान पत्र भी बन जाते हैं। ये सब विभागों को सोचना चाहिए, ये सब देखभाल करके बनाना चाहिए। जहाँ रामगंगा किनारे अवैध निर्माण होना ही नहीं चाहिए तो मीटर कैसे लगाया जा रहा है? ये सब अवैध तरीके से होता है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो शिव सैनिक भी इस मैटर पर लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।